साउथ फिल्मों के एक्टर प्रकाश राज अपने टैलेंट के दम पर बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। प्रकाश राज अपनी दमदार एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं। आज प्रकाश राज अपना 56वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर हम आपको उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ किस्सों के बारे में बताएंगे। 26 मार्च 1965 को बेंगलुरु में जन्मे प्रकाश राज ने अपनी एक्टिंग की शुरुआत थिएटर से की थी। उन्होंने लंबे वक्त तक थिएटर्स में काम किया। इसके बाद उन्होंने कन्नड़ भाषा के टीवी सीरियल्स में काम करना शुरू किया था। धीरे धीरे उन्होंने फिल्मों की तरफ रुख करने का फैसला किया। प्रकाश राज ने कन्नड़, तमिल, मराठी, मलयाली और हिंदी फिल्मों में काम किया है। उन्होंने फिल्मों में कई तरह के किरदार निभाए, लेकिन उन्हें फिल्मों में असली पहचान विलन के किरदारों से ही मिली है। प्रकाश राज का फिल्मी करियर बेहद सुहाना रहा है, लेकिन पर्सनल लाइफ की बात करें तो वो उतार चढ़ाव से भरी रही है। प्रकाश राज ने साल 1994 में तमिल एक्ट्रेस ललिता कुमारी से शादी की थी। शादी के बाद दोनों के 3 बच्चे हुए, 2 बेटियां मेघना और पूजा और 1 बेटा सिद्धू। प्रकाश राज की जिंदगी में सब कुछ था, एक प्यारी सी बीवी, हंसता खेलता परिवार और सिनेमा की दुनिया में स्टारडम। लेकिन 2004 में प्रकाश राज की जिंदगी में भूचाल आ गया, जब उनके बेटे का 5 साल की उम्र में निधन हो गया। प्रकाश राज ने बताया था कि किस तरह साल 2004 में बेटे के निधन के बाद उनकी जिंदगी बदल गई। उन्होंने बताया कि वो केवल 5 साल का था और 1 फुट ऊंची टेबल पर चढ़कर पतंग उड़ा रहा था। उसका पैर फिसला और वो गिर गया। कुछ महीनों बाद उसे दौरा पड़ने लगा, जिसके बाद उसका निधन हो गया। कोई नहीं समझ पाया कि आखिर वजह क्या थी। उसकी मौत किसी भी दुख से ज्यादा बड़ी थी। अब मैं जिंदगी को कभी हल्के में नहीं लेता। बेटे के निधन के बारे में एक्टर ने बताया था कि उन्होंने अपने खेतों में बेटे के शव को जलाया था। उन्होंने कहा था, मैं कई बार वहां जाकर बैठता हूं और वहां मुझे लगता है कि मैं कितना लाचार हूं। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, ये बहुत छोटी है। नेचर के सामने आप बहुत कमजोर हो। मुझे अपनी बेटियों से बहुत प्यार है, लेकिन अब भी मैं अपने बेटे को बहुत याद करता हूँ। वहीं बेटे की मौत के बाद प्रकाश राज और उनकी पत्नी ललिता के रिश्ते में भी बदलाव आ गया। दोनों ने अपनी शादी को बचाने की कोशिश की, लेकिन हालात इतने बुरे हो गए कि 2009 में दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया और एक दूसरे को तलाक ही दे दिया। वहीं पहली पत्नी से तलाक से ठीक 1 साल बाद यानी कि 2010 में प्रकाश राज ने कोरियोग्राफर पोनी वर्मा से दूसरी शादी की। दोनों की उम्र में 12 साल का अंतर था। प्रकाश के मुताबिक पोनी से उनकी पहली मुलाकात तब हुई जब ललिता के साथ उनका तलाक का केस चल रहा था। वैसे कहा तो ये भी जाता है कि पोनी वर्मा की वजह से ही उन्होंने अपनी पहली बीवी को तलाक दिया था। वहीं पोनी वर्मा से शादी के बाद 3 फरवरी 2016 को प्रकाश 50 की उम्र में बेटे वेदांत के पिता बने। ये प्रकाश राज की 4थी संतान थी। वहीं प्रकाश राज ने ललिता कुमारी को भले तलाक दे दिया, लेकिन बेटियों के साथ उनका रिश्ता आज भी बरकरार है। प्रकाश राज एक बेहतरीन एक्टर के साथ साथ एक अच्छे पिता भी हैं। वो अक्सर अपने परिवार के साथ नजर आते रहते हैं। प्रकाश राज अपने सामाजिक कार्यों के लिए भी जाने जाते हैं। उन्होंने तेलंगाना के एक गांव कोंडा रेड्डी पल्ले और कर्नाटक के एक गांव बंडलहरट्टी को गोद भी लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, E24। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बीटाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कॉन्ट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।